चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू पॉजिटिव आयंस ईच कैरिंग चार्ज स्मॉल क्यू आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस स्मॉल डी, इफ एफ कैपिटल एफ इज द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द आयंस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग फ्रॉम ईच आयन विल बी इज बीइंग द चार्ज ऑफ द ऑन द ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चलो सबसे पहले ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, दोनों क्यू है प्लस पॉजिटिव आयन है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी, दोनों पे रिपल्शन का फोर्स लग रहा है एफ, इधर भी एफ इधर भी, इस एफ की वैल्यू कितनी होगी, एफ इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन डी स्क्वायर या के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये होगी एफ इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, ये हो गई रिपल्शन का फोर्स। अब कह रहा है चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखो के क्यू इज इक्वल टू एन ई होता है तो n इंटू ई का होल स्क्वायर होगा अपॉन डी स्क्वायर होगा, करेक्ट है तो ये हो जाएगा k n स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर, करेक्ट तो n स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो पहले, n स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर इधर भेज दो, f इंटू डी स्क्वायर अपॉन k इंटू ई स्क्वायर या n इज इक्वल टू अंडर रूट में f डी स्क्वायर अपॉन k ई स्क्वायर, k की वैल्यू एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला जाएगा तो अंडर रूट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, एन की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो गए कौन सा ऑप्शन देखिए होना चाहिए बी या सी में से, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर, ये वाला सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।